लवली मॉर्निंग इन अबोटाबाद. इट्स नॉट दैट कोल्ड, मैं एक्सपेक्ट कर रहा बहुत ठंड, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इट्स नॉट दैट कोल्ड. और बल्कि आई वुड से कि इट्स अ नाइस सनी डे. यहाँ पे बाय द वे बहुत कुछ है, लोग चपली कबाब से इसको जानते हैं, लेकिन हमें क्योंकि पेट पूजा करनी, तो पहली चीज़ करेंगे पेट पूजा और उसके बाद कुछ सोचेंगे करना क्या है. बाय द वे डू यू नो कि एबट आबाद, जिसको हम एबटाबाद कहते हैं, ये एबट के नाम पे है, सर जेम्स एबट, जो कि 1853 में इस शहर का नाम रखा गया. आई वुड से कि वो लोग जो कि बहुत ऊपर नहीं जा सकते ठंड की वजह से या फॉर डिस्टेंस की वजह से, तो इस्लामाबाद से कोई 120 किलोमीटर पे, तो यहाँ आएँ और इसको इन्जॉय करें. तो आए चलते हैं, नाश्ता करते हैं. नाश्ता टाइम. आई ऑलवेज प्लान कि मैं आऊँगा हेल्दी नाश्ता करूँगा, अपने साथ में सीरियल लेके आता हूँ. दो दिन का होता है, उसके बाद फिर वही इतनी मज़ेदार चीज़ें देखते हुए आदमी कहता है बॉस यही खा लो, कहीं चना होता है, कहीं लोबिया होती है, तो लेट्स सी कि यहाँ क्या है. हाउ कुड यू से नो टू दिस जबरदस्त पराठा, वो भी सुबह सुबह. मैंने आलू के पराठे यहाँ देख रहा हूँ कि आलू भी बना रहे हैं, तो मैं सर से कहता हूँ शायद मुझे बना दे. ये आलू का पराठा मुझे मिल जाएगा? तो मैं क्या बोलूंगा, एक आलू का पराठा ला सही, ऐसा हो जाएगा? ये हो जाएगा. गुड है, चले. ओए होए होए होए, शुक्रिया भाईजान. आय हाय बिस्मिल्लाह, जबरदस्त चटनी अचार. हाँ कुछ इसे नो. ओए होए, आई थिंक आलू के पराठे का जो अचार का स्वाद है ना, ये है कौन सा चिली पिकल. ओए होए, समाओ अचार बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में, उफ, तो कहते हैं मुंह में पानी आ जाता है, बेहतरीन. और ये जो साथ में आलू का पराठा है, मैं एक काम करते हैं, मालूम करते हैं आसपास क्या है, फिर निकलते हैं. क्योंकि आज संडे का दिन है तो रश नहीं है, ये बड़ा अच्छी बात है ना, यहाँ रश बहुत होता है इस इलाके में. ओके जी, फाइनली हम आ गए जहाँ पे चेयर लिफ्ट है एबटाबाद के करीब. ये एक अट्रैक्शन पॉइंट, लोगों ने कहा जरूर जाइएगा, विजिट कीजिएगा, बड़ा अच्छा व्यू आता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है. आए जी, तो वॉक करते हैं, टिकट लेते हैं चेयर लिफ्ट का. इतना सन्नाटा क्यों है? ये थोड़ा काम कर रहे हैं. अच्छा, तो बंद है आज? ये 10-15 दिन लगेंगे. ओए होए होए होए, बड़े साहब ने बताया कि 10-15 दिन लगेंगे, वहाँ टिकट घर पर लिखा हुआ था. आई थॉट लेट्स टेक अ चांस. ये मेंटेनेंस हो रही है इसकी. समटाइम्स वी डोंट रियलाइज के एक चीज़ को एंजॉय करते हैं, उसके पीछे किन लोगों की मेहनत है. लिटरली आज बंद है, लेकिन आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट इसकी आपको पता कि जी इसकी मेंटेनेंस हो रही है, ये चीज़ें अपनी जगह तैयार रहती हैं, ताकि मैं आप किसी हादसे का शिकार ना हो. हैट्स ऑफ टू दिस गाइस. Let's make some tea. चाय पीने के लिए हमें बहाना चाहिए होता है, चाहे रात हो, दिन हो, गर्मी हो, सर्दी. लेकिन सर्दी में चाय कितना सीन ऑन हो जाता है. So I'm gonna make my own चाय. अच्छा, ये दूध पत्ती क्या बता दूं कि एक हमारे दोस्त ने एक रेस्टोरेंट खोला था, उन्होंने मुझे सिखाई थी दूध पत्ती का असल तरीका. तो लेट्स ट्राई दिस वे. दूध को आपने उबालना है, और उनका सीक्रेट था कि इसमें बादाम साबित 3-4 बादाम उन्होंने कहा डाल दें. उबाल आने पर इसको आप चूल्हा बंद कर दें 5-10 मिनट के लिए एटलीस्ट, तो इसको रेस्ट कर देते हैं. जब तक रेस्ट हो रहा है हम क्यों टाइम ज़ाया करें, आए नज़ारे करते हैं. मैं यहाँ बैठने के लिए आया था, सोचा कुछ रिलैक्स कर लूँ, लेकिन बहुत कचरा देखते हुए मुझे लगा कि नहीं यार, दैट्स नॉट राइट. पहले सफाई कर लेते हैं. एंड ऑल्सो सजेस्ट कि लोग जब भी यहाँ आएँ प्लीज़ जगह को साफ सुथरा कर लें, और अपने साथ जो भी कचरा लेके आएँ उसको साथ लेके ज़रूर जाएँ. दो मिनट मुश्किल से, 4-5 लोग थे, सबको कहा भाई सब लग जाएं, सफाई हो गई. इट डजंट टेक मच, सिर्फ एक थोड़ी सी एफर्ट चाहिए. आप करेंगे, यकीन करें आपके बच्चे आपको देख के जरूर करेंगे. ओके जी, दूध ठंडा हो गया, द चूल्हा ऑन. आई लाइक इट स्ट्रॉन्ग,
3 should be enough. मैं उनमें से जिनको चाय बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि मैं हर जगह की चाय पी नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि चाय को ना धीमी आंच पे पकाता हूँ। चाय की पत्ती कम डालें, उसको दम दें धीमी आंच पे और फिर उसको छोड़ दें टिकोसी रख के, ताकि दम में बड़ी अच्छी पके। हम वो लोग घर पर दूध पत्ती बनाते हैं और जब मुझे पिलाते हैं, यकीन करें किस तरह मैं पीता हूँ। प्लीज़ अगर मुझे नेक्स्ट टाइम कभी चाय ऑफर करें तो मेक श्योर चीनी ना, एटलीस्ट पूछ तो लें कि आप चीनी पीते नहीं पीते। बैनी वेलो कर नाइस कलर। ओके जी, 2-4 मिनट बाद चूल्हा बंद, कप बाहर। अगर आपने चीनी डालनी थी तो आप पहले डाल सकते थे, बट नाउ टाइम टू टेक अ वॉक। जाके बैठने जगह मैंने साफ की थी और वहाँ इंजॉय करते थे गर्मा गर्म दूध पत्ती को। बाय द वे, ये जो चाय की रेसिपी है ना, इट्स अ हिट। आई टेल यू, किसको आपने बनाना एक दफ़ा मेरे कहने पे, और प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स कि आपने बनाई तो कैसी बनी, या आप गलत नहीं बना सकते, ये बता दूँ मैं आपको। ये हरनाई का इलाका है और इट्स अ पिकनिक स्पॉट जो कि कोई 15-20 मिनट की ड्राइव पे है एबटाबाद से। अराउंड से कि यहाँ आए बच्चों को लेके, दरिया बह रहा है, झील है, साथ में ये झूले लगे हैं बच्चों के लिए और अच्छा व्यू है। वन टू थ्री, ये क्या हुआ, तुमने टेढ़ा कर दिया? नहीं नहीं, किसी देख के मारो। टीम का बड़ा इसरार था कि मैं ये राइड करूं। ट्रस्ट मी, हम वन ऑफ दोस्त जो कि राइड बिल्कुल नहीं इंजॉय करते, बल्कि मुझे बड़ी बाद में चक्कर आते। टीम को हमने बोला जाओ भाई तुम लोग कर लो, बट एनीवे इट्स अ गुड स्मॉल लिटिल प्लेस। बच्चे लेके आए और पिकनिक बनाए। न्यू डे न्यू जर्नी। इस्लामाबाद हम पहुंच गए। अनफॉर्चुनेटली वही कि एबटाबाद में थोड़ा सा गाड़ी ने ट्रबल किया, वैसे तो सो फास्ट सो गुड, हर चीज़ ने साथ दिया, क्लच थोड़ा सा इसका ट्रबल कर रहा है। मैंने हमाद जिससे मैंने गाड़ी ली इस्लामाबाद में, उनको कॉल किया, हमाद ने कहा यार मैं पिंडी में बनवाता हूँ गाड़ी, तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मीन वाइल आई एम हियर। तो आई एम लाइक ओके, गाड़ी यहीं खड़ी करते हैं, पिंडी भेजते हैं, इस्लामाबाद एक्सप्लोर करते हैं और पिंडी की कुछ खाबे करते हैं। हम इस्लामाबाद आए तो शहजाद जो मेरे असिस्टेंट, उसने कहा जब आप आएँ सर मुझे थोड़ा टाइम दे दें, मैं अपने रिश्तेदारों से मिल के आ जाऊँ। शहजाद क्योंकि क्रिश्चियन है और ये आबादी भी क्रिश्चियन की है H9 के अंदर, तो मैंने कहा क्यों नहीं, वो अकेला जा रहा तो मैं भी साथ जाता हूँ। तो आए देखते हैं शहजाद का पूरा इलाका जहाँ सारे क्रिश्चियंस रहते हैं। लेट्स सी कि हाउ दे लिव, अपनी लाइफ कैसे गुजारते हैं, कैसे अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। क्या बना रहे हो तुम लोग? चरनी। इट्स सो क्यूट। बाहर जाए पाकिस्तान से तो विंटर सीजन में लाइक टूवर्ड्स आफ्टर थैंक्सगिविंग दिसंबर की अर्ली स्टार्ट में भी लोग अपने घरों को सजाना शुरू कर देते हैं। घरों के बाद चरनी बनाते हैं जिसमें वो पूरा वो माहौल क्रिएट करते हैं क्रिसमस वाला। और ये बच्चे हैसियत के मुताबिक वो खुद लगे हुए वो लकड़ी काट रहे हैं, अभी बना रहे हैं। आई एम श्योर अभी अर्ली स्टेज के अंदर है, लेकिन जब बनेगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। इतनी जल्दी आपने इतनी सारी खीर बना ली? हाँ, मैं क्या भाई को नहीं खीर खानी है, मैं जल्दी बना लो। अच्छा, ये अपनी मच की दूध है आपका? हाँ जी। तो आप भी तो लीजिए। बाप बेटा रुकुदस नाम से, आमीन। इसमें खोपरा बादाम भी डाला हुआ है आपने? बिल्कुल डाला। तो यही बनाती है बड़ी ईद पे? हाँ जी। जब भी लोग आपके बहुत खाना खाने आते हैं? जर्दा बनाते हैं चावलों का। अच्छा, जर्दा बनाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेहमान नवाजी का, और आपकी वजह से मुझे मौका मिला आपके इलाके में आने का, आपके लोगों के बारे में बात करने का। अच्छा, मैं वो चने चाट देख रहा हूँ जो कि समोसे के साथ गर्मा गर्म समोसा, उसमें चने पड़े हुए हों या फिर कोई मजा दही बल्ले। तो एनी वेज आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई थिंक आज मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय टाइम के, तो लेट्स सर्च फॉर द बेस्ट चना चाट
या समोसा चाट। I like the crunch. Very nice. I mean, craving हो रही थी दही भल्ले और समोसा चाट, वो जिसमें चने डालते हैं गर्म गर्म, वो नहीं मिली। दही भल्ले वेरी गुड। इन्होंने कहा हमारे यहाँ की जो मशहूर है वो है लस्सी वाले समोसे, छाछ नहीं होता लस्सी का उसके साथ। और इन्होंने कहा हमारी काली चटनी बहुत मशहूर है, चूरन वाली तेज़ी, आमचूर उसकी तेज़ी है। ये पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ। वेरी गुड कंट्रास्ट, गर्म समोसे और ठंडी लस्सी। आई मीन हैवन। ठंड का मौसम है, फील लाइक समथिंग वेरी गर्मा गर्म सूप, चिकन स्टर फ्राई विद वेजिटेबल्स, बहुत इजी इजी वाला। चाइनीज फूड इज ऑल अबाउट कुकिंग इन एडवांस, मतलब वेजिटेबल्स काट कर ली आपने और उसके बाद से स्टर फ्राई करना। यू कैन ऐड योर फ्लेवर्स। द ग्रीन अनियन का जो ग्रीन पार्ट है वो मैंने यूज़ किया है उसके करूँगा फ्राइड राइस के लिए। एंड देन नीचे वाला वाइट पार्ट आई एम गोना यूज दिस फॉर स्टर फ्राई उसके लिए। लिटिल बिट प्याज, बिग चंक्स, दैट शुड बी मोर देन इनफ। इसमें जिंजर का फ्लेवर डालूंगा मैं, तो दैट शुड बी इनफ। आई लाइक गार्लिक फ्लेवर, गार्लिक स्लाइसेस, थिन स्लाइसेस ऑफ गार्लिक। मैंने तीन अंडे फेंट लिए, कुछ सूप में डल जाएगा, कुछ वो राइस में डाल देंगे। फ्राइड राइस बना रहे हैं तो उसमें एग भी डाल देते हैं, एग फ्राइड राइस। यखनी तैयार हो गई, जस्ट सिंपल चिकन, उसमें आप चाहें तो लहसुन प्याज डाल के उसको आप पका सकते हैं। चिकन पीसेस थोड़ा सा रिचा कर लेते हैं, आप चाहें चॉप कर लेते हैं हाथ से, देखें इट्स वेरी सॉफ्ट। जस्ट अ लिटिल ऑयल, टेबल स्पून टू, थोड़ा सा चॉप लहसुन। चिकन हल्का सा मैं फ्राई करूँगा इसी गार्लिक के साथ। थोड़ा सा कॉर्न डाल देते हैं, चॉप किया हुआ कॉर्न है, जस्ट मिनट टू, ताकि वो जो चिकन है आपकी और राइस है, आई लाइक देम टू थोड़ा सा फ्राई हो जाए वो। नाउ एड दिस यखनी, जब तक ये बॉयल आ रहा है सीजनिंग कर लेते हैं इसमें थोड़ी सी। देयर इज सॉल्ट, थोड़ा सा काली मिर्च, जस्ट नॉट टू मच, दैट शुड बी इनफ। ओके, जस्ट अ लिटिल बिट कॉर्नफ्लावर, और डोंट पुट टू मच एट वंस, लेट इट कम टू अ बॉयल, ताकि आपको अंदाजा हो कितना थिक चाहिए। अच्छा काम करें स्लो स्ट्रीम में, मैं पूरा नहीं डालूंगा, तीन अंडे में कोई डेढ़ अंडे के करीब इसमें डालूंगा। अब इसको चला लेना है ये। चेक दिस आउट, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस पैन में, तकरीबन अबाउट टू टेबल स्पून, दो टेबल स्पून के करीब गार्लिक है, इसको हल्का कड़कड़ाएंगे, लाइट गोल्डन कलर आ जाए, नॉट टू डार्क। हाँ, थोड़ी सी शिमला मिर्च एंड बंद गोभी। इसी में ये जो अंडा है हम तल लेते हैं, डालते हैं इसको, तोड़ना शुरू कर दें। लगे स्क्रैम्बल एग, एड सम राइस, आई लाइक ठंडे राइस, रात पुराने नथिंग लाइक इट। नमक थोड़ा सा जस्ट टू टेस्ट, little bit kali mirch, then I'm gonna add a little soy sauce. Now stir. Okay ji, ye nikal lete hain. I like to add the greens towards the end for our stir fried chicken. Fir se chicken nikal lete hain, that should be more than enough. Main isko barik slices kar raha hu in an angle. Okay ji, chicken kat gayi hai, so now take some oil again, tablespoon two, aur ispe chicken ko main फैला के डाल देता हूँ। मुश्किल से दो मिनट लगेंगे चिकन को, आपने हर तरफ से फर्स्ट मेक श्योर किया चिकन को क्विक स्टर फ्राई करना है आपने। फर्स्ट आपने इसमें, मैंने जिंजर और गार्लिक काटा हुआ था तो सही डाल देते हैं। दो मिनट बाद आपने इसमें गाजर ऐड कर देनी है, हरी प्याज का जो सफेद हिस्सा था ये भी। अगेन प्याज को ब्रेक नहीं कीजिएगा खुद बखुद, ये आई लाइक द बड़े पार्ट। तो सीजनिंग ऐड करते हैं इसके अंदर, हल्का सा सोया सॉस, चिली सॉस, अगेन जितना आपको हीट पसंद है यू कैन ऑलवेज ऐड, जस्ट अ लिटिल बिट केचप, अब उसे टू टेबल स्पून, थोड़ा सा सॉल्ट, लिटिल बिट काली मिर्च, और उसको हल्का स्टर फ्राई करेंगे, एक टीस्पून कॉर्नफ्लावर का पानी, दैट्स इट। आहा, चख लेते हैं इसको। नाइस, आई लाइक द केचप का फ्लेवर। सूप चख लेते हैं, आई लाइक चिली, लिटिल बिट सोया सॉस, हल्का सा विनेगर। होए होए होए, सर्दी में सूप का क्या मजा है। I'm gonna enjoy this meal. Hope you try this also. Leave me a comment. अगर आपको पसंद आए तो।